नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का एक और जोशीले वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। जोशीला इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है होम्योपैथी की फील्ड के लिए और होम्योपैथी के अंदर आने वाले न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो शीर्षक है वो है कि व्हाई द होम्योपैथी इज स्टिल नोन एज द थर्ड वर्ल्ड पैथी। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, इसके पीछे गलती किसकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑल ओवर द इंडिया और सैकड़ों करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होम्योपैथी को बहुत ही ज्यादा वेटेज देते हैं। वो ये जानते हैं कि इस पैथी के अंदर सिर्फ फायदे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ऐसी लाखों बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथी में ही है। अभी मैं धारा प्रवाह 50 से ऊपर बीमारियां बिना सांस लिए आपको गिना सकता हूं जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथी के अंदर है, बट वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि होम्योपैथी कितनी बड़ी होप है इस पूरी दुनिया की हेल्थ इंडस्ट्री के लिए। ये हम लोगों ने कई वायरल आउटब्रेक के टाइम पे देखा, हमने स्वाइन फ्लू के टाइम पे ये चीज देखी, हमने कोरोना वायरस आउटब्रेक के अंदर जो आयुष डिपार्टमेंट ने घर घर जाके गली मोहल्ले चौराहों पे आर्सेनिक और जैसी कैम्फोरा जैसी दवाएं बांटी, कहीं ना कहीं मैं उसको बहुत बड़ी वजह मानता हूं कि इंडिया के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट था वो इतना नहीं बढ़ा। तो जब होम्योपैथी इतनी अच्छी है तो फिर इसको अभी भी क्यों थर्ड वर्ल्ड पैथी इंडिया के अंदर माना जाता है, क्यों इसको वो वेटेज नहीं मिल रहा, क्यों इसको वो ग्लैमर नहीं मिल रहा, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। पहला कारण, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है और एक फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये है कि बेसिकली होम्योपैथी के अंदर बच्चों को ट्रेन करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में कुछ विशेष नहीं है, बस एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज के अंदर नाम के पद होते हैं क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में टू बी लेक्चरर आपको एमडी होना चाहिए, पर यहाँ पे बहुत कम लेक्चरर्स अपने इंडिया के अंदर जो हैं वो एमडी हैं। अब होम्योपैथी पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं भाई, हमसे पास नहीं होते, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस करने के तरीके होम्योपैथी के कोर्स में नहीं सिखाए जाते हैं। हाँ, नो डाउट वहाँ पे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन मटेरिया मेडिका सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, आपको इंटर्नशिप के अंदर कुछ क्लिनिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है, पर ये जो सिस्टम है ये उतना रोबस्ट नहीं है कि एक बच्चा हर चीज को बहुत अच्छे से कर पाए, क्योंकि एक बच्चे का पूरा टाइम जो रहता है बीएचएमएस करने का वो अलाइड सब्जेक्ट से जूझने में निकल जाता है क्योंकि उनको पास करना बड़ा कठिन होता है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पैथोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, क्योंकि हम वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के निकलते हैं जो एक एमबीबीएस पढ़ता है, और दिक्कत यह है कि वो सारे सब्जेक्ट इतने ज्यादा टफ हैं, और क्योंकि एक कॉलेज के अंदर स्टाफ ही नहीं होता पढ़ाने वाला, एक लेक्चरर जो है वो चार चार सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो भी पढ़ा रहा है जो उसको आता है, वो भी पढ़ा रहा है जो उसको नहीं आता। तो ये पहला कारण है एजुकेशन सिस्टम के अंदर फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट जो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहा अपने कॉलेज का पर मैं नहीं पढ़ा पाया, क्यों, क्योंकि कॉलेज के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ ही नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था कहीं ना कहीं पढ़ाने में। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वाकई में सही प्रैक्टिस करना एक बच्चे को सिखा सकते हैं एक कॉलेज के अंदर, वो लोग एजुकेशन लाइन में आना ही नहीं चाहते, जैसे कि मैं। क्यों नहीं आना चाहता उसका भी मैं कारण आगे बताऊंगा। और जो लोग प्रैक्टिस सिखा रहे हैं या जो लोग मटेरिया मेडिका ऑर्गेनन पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ थ्योरिटिकल नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब है जो कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं वो खुद प्रैक्टिस में नहीं है, उनकी खुद की कोई प्रैक्टिस नहीं है, अगर है तो पार्ट टाइम है, तो वो क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस देंगे बच्चों को। तो जो बच्चा जो सीख के निकलता है वो नॉलेज उसके लिए बहुत इनसफिशियंट होता है, क्योंकि जिन लोगों को पढ़ाना चाहिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर फुल टाइम प्रैक्टिशनर। अब मैं 9 घंटे दिन का मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके कहीं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ाऊं, और जो वहां पे बैठ के पढ़ा रहे हैं उनकी खुद की क्लिनिक नहीं है, तो हाउ द चिल्ड्रन गेट द आइडिया टू एंटर इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये दूसरा फॉल्ट है एजुकेशन सिस्टम में। तीसरा फॉल्ट बच्चों का खुद का है। मैं चैलेंज देता हूं कि लाखों करोड़ों होम्योपैथ के अंदर गिनती के होम्योपैथ होते हैं जो सिर्फ होम्योपैथ बनने के लिए होम्योपैथी के अंदर आते हैं,
बाकी सब लोग होम्योपैथी में सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, और वो डॉक्टर बनने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि वो दे हैड नॉट बीन सिलेक्टेड इन द एमडी या फिर एमबीबीएस और बीडीएस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जो कि उनकी प्रेफरेबल फील्ड थी। तो उनने बोला कि चलो यार होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ले लो, कम से कम कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी या फिर डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में काम करने लगे। ये जो है तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे होम्योपैथी के अंदर पास होकर के निकल रहे हैं वो रादर स्टार्टिंग दे आर प्रैक्टिस दे आर प्रेफरिंग टू वर्क इन द हॉस्पिटल्स एज अ ड्यूटी डॉक्टर, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। आप देखिए ना, मैं 15 साल से एक एरिया ये भोपाल का BHEL एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को बहुत ही रेयरली 15 साल में इक्का दुक्का क्लिनिक नहीं दिखी होंगी जहाँ पे कोई नया बच्चा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा हो, क्योंकि बच्चों का प्रैक्टिस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि जिस देश के अंदर होम्योपैथी के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उस देश के अंदर होम्योपैथी को थर्ड वर्ल्ड पैथी ही कहा जाएगा। देखिए होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। आप एक MBBS देखिए, आप क्या है, आप एक देखिए कि बच्चे जो है हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनके हॉस्पिटल्स में काम करने से ना सिर्फ होम्योपैथी का नुकसान हो रहा है कि भैया हमको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, बल्कि एलोपैथी और हॉस्पिटल फील्ड का भी इंडिया के अंदर जो स्टेटस है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल कॉस्ट कटिंग चाहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये उन बच्चों के लिए है जो हॉस्पिटल में आज की तारीख में बहुत ज्यादा चौड़ में काम कर रहे हैं, मतलब चौड़ इन द सेंस कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू वर्क इन द हॉस्पिटल। वो ऐसा सोच रहे हैं कि दे आर इक्विवेलेंट टू MBBS और MD। भाई एक बार अपनी सैलरी और आपके हॉस्पिटल में काम करने वाला एक MBBS लड़का जो आप ही के साथ पास आउट हुआ है, इनफैक्ट आपसे जूनियर है, आप उसकी सैलरी देख लीजिए और आप अपनी सैलरी देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, हॉस्पिटल किसी के सगे नहीं होते हैं। आप अभी वहां पे काम कर रहे हो और कई आप में से 10 सालों से काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, आपको नो डाउट एक स्टैंडर्ड सैलरी वो लोग दे रहे हैं, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और उम्र बढ़ती जाएगी आपको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। और मेरी बात समझिए कि अगर कोई अच्छे डॉक्टर साहब, मेरे कोई होम्योपैथिक बंधु जो पिछले 10-15 साल से किसी हॉस्पिटल के साथ संलग्न थे, उनने 8-10 हज़ार रुपये से नौकरी चालू करी थी, आज वो 35-40 हज़ार कमा रहे हैं, पर भाई आज की तारीख में आपके एवज में 40 हज़ार में तो एक MBBS लड़का काम करने को तैयार है जो नया नया पास आउट हुआ है। तो भाई हॉस्पिटल आपको क्यों उतना सैलरी देगा, वो आपको निकाल के वो उस आदमी को रखेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि यार मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। और एक और चीज समझिए कि जो लड़का होम्योपैथी पढ़ के होम्योपैथिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाया वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में किस हक से काम कर सकता है, क्योंकि जो अपना खुद का कोर्स जो बंदा नहीं कर पाया तो वो ऐसी फील्ड में कैसे काम कर रहा है जो फील्ड का उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने जो सीखा वो हॉस्पिटल में आने के बाद सीखा, एक MD के सानिध्य में सीखा, उसने हॉस्पिटल का पूरा ट्रेंड पकड़ लिया कि भैया ये केस आता है तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये करते हैं, ये केस आता है तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये करते हैं। तो ही इज नॉट अ ट्रेंड प्रैक्टिशनर। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि होम्योपैथी की दुर्दशा के मेन ये 3 या 4 कारण हैं। तो मैं अपने जो नए जो प्रैक्टिशनर देखे जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी इतनी एज हो चुकी है कि वो इस एज के अंदर सफल नहीं कर सकते होम्योपैथी में, पर अगर आपने हिम्मत करके सफल करा तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि आपका आज तो ठीक है आप 38 साल का, जैसे मैं खुद 37 साल का हूँ, मेरे साथ के कई लोग शायद हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे जो मेरे आगे पीछे पास आउट हुए होंगे, तो वो भी आज इसी एज के हैं। पर भाई जब आपकी उम्र और ज्यादा बढ़ेगी तो आपको हॉस्पिटल्स नहीं रखेंगे। और दूसरी चीज एक और बात समझिए कि कल को अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने कहीं पे ये पूरा रिफाइनमेंट करने के लिए बैठी तो आपकी तो सबसे पहले नौकरी जानी है। कोरोना काल में अभी वैसे ही हॉस्पिटलों के पास काम नहीं है, बहुत से हॉस्पिटल जो है वो बदल दिए गए हैं कोविड सेंटर में, तो वहां पर आप लोगों का कोई काम नहीं है, और आप लोगों का हॉस्पिटल में वैसे भी कोई काम नहीं था, हॉस्पिटल अपना खर्चा कम करने को और कॉस्ट कटिंग करने को आप लोगों को रख रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी पूरे देश का समझ रहा है कि यार हमारे हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड इन लड़कों की वजह से डाउनफॉल हो रहा है,
जब पेशेंट आता है तो पेशेंट एक डॉक्टर से कन्वर्सेट करता है हॉस्पिटल में, और जब डॉक्टर से पूछा जाता है कि साहब आपके MBBS हैं, तो वो झूठ तो बोल नहीं सकता, उसको बोलना पड़ता है, नहीं मैं तो आयुष से हूँ। मतलब वो ये तक नहीं बोलता कि मैं होम्योपैथी वाला हूँ, मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप समझिए, ये करके आप अपना ही बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आज से 37-38 के आप हैं, 50 साल में आपका क्या फ्यूचर होगा? जब आप 50 के एज के होंगे तो कोई इतना बुजुर्ग आयुष का डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा अपने हॉस्पिटल में। और अगर कल को कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस आई तो आप सबसे पहले बाहर होंगे। तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए, ये तो बात हुई उन लोगों की जो लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो इस फील्ड में आने वाले हैं या आने को हैं या आ चुके हैं, कि भाई आप प्लीज़ होम्योपैथी की फील्ड में आ जाइए। होम्योपैथी ही फीचर है इस पूरी कंट्री का और पूरे देश की या पूरी दुनिया की हेल्थ इंडस्ट्री का। होम्योपैथी की तरफ पेशेंट बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट हो रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर ऐसे लाखों कम्युनिटी ब्लॉग हैं जिसके अंदर पेशेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, और वो पेशेंट खुद बोल रहे हैं कि भाई मेरे को ये बीमारी थी और मैंने एलोपैथी में ये इलाज कराया, मैंने तो एक बार सर्जरी करा ली, फिर अल्टीमेटली आई गेट द रिलीफ फ्रॉम द होम्योपैथी। तो होम्योपैथी इज द ओनली ऑप्शन टू एनीहिलेट द पेन्स इन द ह्यूमैनिटी। होम्योपैथी के अलावा इसके और कोई ऑप्शन नहीं है, ये दुनिया के पास भी नहीं है। कहीं ना कहीं एलोपैथी जगत भी इसको समझ रहा है, और जिस दिन इन लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, होम्योपैथी के अंदर पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। एक और कारण, जो नए बच्चे जो होम्योपैथी के हैं, दे आर प्रोसीडिंग टूवर्ड द एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, एंड कई लोग तो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, झुग्गी बस्ती में बैठ जाते हैं, मिक्सोपैथी कर रहे हैं। जिस पेशेंट को समझ में आया होम्योपैथी दे दी, जिस पेशेंट को समझ में आया एलोपैथी दे दी। देखिए ऐसा नहीं होता। ऑडे सपेरे जो शब्द था ना ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के फ्रंट पेज पे, वो था डेयर टू बी वाइज, कि बहुत इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेयर टू बी वाइज। समझदार बनने के लिए इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि ऑडे सपेरे हनीमैन ने क्यों लिखा था, क्योंकि उस जमाने में भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस थी और इस जमाने में भी कठिन थी, सॉरी प्रैक्टिस होम्योपैथिक प्रैक्टिस कठिन थी और इस जमाने में भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस कठिन है। ये आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि जो इस फील्ड में नहीं आ रहे। और वो जो एक्जियम था ऑडे सपेरे, वो तब भी वाकई में वेल अप्लीकेबल था और आज भी वेल अप्लीकेबल है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी और अपने फाइनेंशियल कैरियर के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। अगर आप ताजे ताजे एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसको छोड़िए, होम्योपैथी की प्रैक्टिस में आ जाइए। एक दो साल लगेंगे। देखिए कोई भी प्रैक्टिशनर पहले दिन से ही प्रो नहीं होता है, सभी एज अ नूब करते हैं प्रैक्टिशनर, मतलब वो बिल्कुल बिगनर्स की तरह हर कोई काम करता है। आपको पहले दिन मेडिसिन नहीं समझ में आएंगी, वो तो आप मेहनत करते जाओगे तब आपको वो चीज़ समझ में आएंगी कि हमको कैसे काम करना है, कैसे हमको पैसा कमाना है, कैसे हमको पेशेंट को रिजल्ट देना है। तो भाई जब तक आप स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे प्रैक्टिस की, तो आप कैसे ये सब चीजों की तरफ जाएंगे? और जो ग्लैमर होता है, वो ग्लैमर होम्योपैथी के अंदर हमेशा से था, पर वो सिर्फ ग्लैमर हम जैसे सोलो प्रैक्टिशनर, जैसे मैं 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैंने बहुत कुछ अचीव करा, मैंने अच्छा पैसा कमाया, आज की तारीख में भोपाल के अंदर मेरा बहुत नाम है। गूगल पे आप सिर्फ मेरा नाम डालेंगे तो यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी। तो जो ग्लैमर तो है ना, हम देख रहे हैं ग्लैमर होता है, फील्ड में है ग्लैमर, पर आप लोगों ने वो ग्लैमर तब तक नहीं महसूस होना है जब तक आप खुद इस फील्ड में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाया हूँ। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग एलोपैथिक फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि होम्योपैथिक फील्ड के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हमेशा आएँ। तो दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।